गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज एक बहुत ही सुंदर दिन है और मेरे गार्डन में क्या क्या फूल और प्लांट्स हैं ये मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ये है बोगनवेलिया पिंक कलर का, और ये वाला रेड कलर का है लेकिन कैमरे में शायद पिंक कलर का दिख रहा होगा। ऐसे फूल खिले रहते हैं तो बटरफ्लाइज भी आते रहते हैं। यह है यूफोर्बिया अमेरिका कैक्टस, ये ऑरेंज कलर का है, अभी फूल खिले हुए हैं तो अंदर लाके रखा है लेकिन दिन में ऐसे बाहर धूप में दे देता हूँ। यह है एक ऑर्किड, दूर से दिखने से येलो कलर के ग्रेप्स जैसे दिखते हैं, इसका नाम है डेंड्रोबियम क्रिसेंथम। ये अगस्त के महीने में बारिश के मौसम में खिलते हैं, करीब 10 दिन तक इसके फूल खिले रहते हैं। कितना प्यारा ब्राइट येलो कलर का फ्लावर्स है। ये है एक डेंड्रोबियम ऑर्किड, अभी कली निकली है, फूल खिलेगी ही कुछ दिन में, इसका नाम है डेंड्रोबियम पिंक स्ट्राइप। डेंड्रोबियम ऑर्किड एक बार खिले तो करीब 1.5-2 महीने तक खिले रहते हैं, दूर से देखने से प्लास्टिक के फ्लावर्स की तरह लगते हैं। यह है एक दूसरा ऑर्किड, इसका नाम है डेंड्रोबियम डेवोनियनम, बहुत ही ब्राइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स है, पर्पल वाइट और येलो कलर के फूल बहुत दूर से दिख जाते हैं। इसके फूल करीब 7 से 10 दिन तक रहते हैं ऐसे खिले हुए। यह है एक वेंडा ऑर्किड, डार्क पर्पल कलर का, फूल के साइज भी बहुत बड़े हैं। ये फूल करीब 2 महीने तक ऐसे ही खिले रहते हुए, दूर से देखने से प्लास्टिक के फ्लावर्स की तरह ही दिखते हैं। एडेनियम के फूल, ये वाला लाइट पिंक कलर का है। एडेनियम बारिश के मौसम में अप्रैल मई महीने से खिलना स्टार्ट करते हैं, और ये वाला ब्लड रेड कलर का है, एक बार खिल जाए तो पूरी बारिश के मौसम में खिलते ही रहते हैं। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसको, इसलिए बारिश से थोड़ा दूर रखना ही अच्छा है। यह है एक फेलानोप्सिस ऑर्किड, ये लाइट पर्पल वाइट कलर का है, बहुत दिनों तक खिला रहता है ये भी, ये वाला तो करीब 2 महीने तक ऐसे ही खिला रहता है। फेलानोप्सिस ऑर्किड को घर के अंदर खिड़की के पास भी रख सकते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में इसे कभी नहीं देना चाहिए। फुटबॉल लिली, इनका साइज़ बहुत ही बड़ा है, दूर से दिखने से एक रेड कलर का बॉल की जैसा दिखता है। मई जून के महीने में ये खिलते हैं। एमरेलिस लिली, ये बाई कलर का है, रेड और बीच बीच में वाइट भी है। ये है टर्टल वाइन, बारिश का मौसम आ गया है इसलिए इसमें बहुत ग्रोथ हो गई है, ऐसे लंबा करके ऊपर रख देने से बहुत अच्छा दिखता है। ये वाला है एडेनियम, ये मल्टीपिटल वाला है, दूर से देखने से रोज़ की तरह दिखता है, ये ब्राइट पिंक कलर का है। कैलेडियम, इसमें भी बारिश के दिनों में ग्रोथ होती है, इसमें बहुत सारे कलर और वेराइटीज में आते हैं।
ये वाला कैलेडियम वाइट और डार्क ग्रीन में। ऑक्सालिस ट्रायंगुलरिस, बारिश के दिन आ गए हैं तो इसमें भी ग्रोथ हो गई है, दूर से बटरफ्लाई की तरह दिखता है। इसका नाम है क्रिसमस कैक्टस। रेड वाइट कलर का ऐसे फूल खिलते हैं। क्रिसमस के टाइम दिसंबर में इसमें फूल आते हैं, जनवरी तक। इसमें और दूसरे कलर जैसे वाइट, पिंक, येलो ऐसे कलर्स में भी फूल आते हैं। ऑक्सालिस ट्राइंगुलर इसमें ऐसे लाइट पिंक वाइट छोटे छोटे फूल भी आते हैं। ये है डे लिली के प्लांट। अभी अप्रैल में महीने से इसमें फूल आने स्टार्ट होते हैं। इसमें तो कलियां आई हुई है, फूल खिलने के लिए और ज़्यादा दिन नहीं। ये ब्राइट ऑरेंज, बीच बीच में थोड़ा रेड कलर का बहुत ही सुंदर डे लिली है, मल्टीपिटल वाला। फूल का साइज़ बड़ा है, लेकिन डे लिली के फूल सिर्फ एक दिन के लिए ही रहते हैं। ये सब है मेरे रेन लिली के प्लांट्स। अभी बारिश में निकाल के रखे हैं, इसलिए बहुत घने हो गए हैं। छोटी छोटी कलियां आई हुई हैं, जिसमें बहुत ही जल्दी फूल खिलने वाले हैं। ये येलो कलर का रेन लिली, फूल के कलर बहुत ही ब्राइट है, छोटे छोटे फूल। अच्छे से रखें तो 2 दिन तक रह जाते हैं। ये वाला लाइट पिंक कलर का रेन लिली बहुत सारे खिले हुए हैं। ऐसे बंचेस में खिले तो दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है। फूल तो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन 1-2 दिन के लिए ही ऐसे रहते हैं। ये वाला रेन लिली भी लाइट पिंक कलर का है, लेकिन इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा है। ये वाला वैरायटी थोड़ा बड़ा है। पूरे बारिश के मौसम में, मतलब मई जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक रेन लिली खिलते रहते हैं। ये वाला है पोर्टुला का, ऐसे छोटे छोटे फूल बारिश के दिनों में खिलते हैं, बहुत सारे एक साथ दिखने में अच्छे लगते हैं। क्रोटन प्लांट, इसके पत्ते तो देखिए कितने कलरफुल हैं, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और बाद में डार्क पर्पल भी हो जाते हैं इसके पत्तों के कलर। बारिश में रख दिया था, इसलिए पत्तों के कलर बहुत ही फ्रेश हो गए हैं। ऐसे बॉन्साई बना के रखे हुए हैं पॉट में लगाकर। मेरे ये दोनों प्लांट करीब 2 साल पुराने हैं। दूर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अभी मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ मैं अपने प्लांट्स में ग्रोथ के लिए क्या देता हूँ। यह है फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया था, सब्जियों के छिलके और गोबर डाल के मैंने ये बनाया है।
इंसेक्ट्स ना हो जाए, इसलिए इंसेक्ट्स को मारने के लिए थोड़ा इंसेक्टिसाइड, और फंगस को मारने के लिए थोड़ा फंजीसाइड भी मैंने इसमें डाला है। फर्टिलाइज़र तैयार होने में करीब 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। 2 हफ्ते में एक बार ये फर्टिलाइज़र आप प्लांट्स में डाल सकते हैं।